साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मित्रों हम जो नया टॉपिक लेकर के आए हैं साउंड का, उसमें हमने आपको बता दिया था, हमने क्या बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में ये दोनों संचरण कहाँ करती है। तो ये जो मेरा टॉपिक है ये ध्वनि है और आपका वेव है। तो ध्वनि और वेव में ये हमने आपको टॉपिक बताया है मित्रों। तो ध्वनि और वेव में चलते हैं, हमारा जो चैप्टर है ये क्या है, ध्वनि है और तरंग है। तो वेव और साउंड ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। वेव और साउंड ये एक दूसरे पे क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। हमने आपको बताया था अनुदैर्ध्य तरंगे और हमने आपको बताया था अनुप्रस्थ तरंगे। तो मित्रों याद रख दीजिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है, क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होता है उसको अनुदैर्ध्य कहते हैं और अनुप्रस्थ क्या होती है, वो होती है ट्रांसवर्स होती है। तो यह दोनों कहां कहां पाई जाती है पूछता है, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो अनुदैर्ध्य होता है, हम दोनों को लेके चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा हम लेकर के चलते हैं ट्रांसवर्स। क्या लेके चलते हैं, ट्रांसवर्स। तो जो ट्रांसवर्स है इसको कहेंगे अनुप्रस्थ और इसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य कहेंगे मित्रों। तो याद रखिएगा इसमें पूछता क्या है कि इसके जो चलने की गति है, इसमें जो चलते हैं ये इसके मॉलिक्यूल आगे और पीछे चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे और पीछे, यह पूछ चुका है। आगे पीछे जो गति संचरण करते हैं तो संचरण में कौन करेंगे, अनुदैर्ध्य करेंगे। ये प्रश्न कई बार रेलवे में आ चुका है और दरोगा के लिए, लेखपाल के लिए, सुपरटेट के लिए, एसएससी के लिए, सबसे ज्यादा एसएससी के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे बना लीजिएगा मित्रों, इसमें क्या होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, ऐसे हमने ले लिया। अब इसमें करते क्या है, इनके संचरण की जो ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे चल रहा था माने आगे पीछे, इसमें कैसी गति होगी, तो इसमें ऊपर नीचे होती है, लंबवत इसको कहते हैं, ऐसे गति करती है तो इसको क्या कहते हैं, लंबवत होती है। यह आपका पूछ चुका है, ये कैसी गति होती है, यह लंबवत गति होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग में ऐसे जब ले लेते हैं ऐसे, तो ऐसे याद रखिएगा, फिर ऐसे ऐसे होती है। इसमें क्या लेंगे, इसमें ऐसे रस्सी लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, रस्सी लेते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें हमने कहा था जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ऐसे ये सटा हुआ है और इसके मॉलिक्यूल दूर है, तो जब दूर होंगे तो विरलन होगा और जब नजदीक होंगे तो संपीडन होगा। यहां पे हमने बताया था आपको उपश्रृंग और गर्त होते हैं, तो नीचे वाले को, यह जो होती है नीचे वाले को गर्त कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है कि संपीडन किसमें पाया जाता है और विरलन किसमें पाया जाता है, माने उसके मॉलिक्यूल जब दूर दूर हो जाते हैं, रेयर मीडिया माने दूर दूर हो जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे, और जब मॉलिक्यूल करीब में हो जाएंगे तो उसको संपीडन कहते हैं। इसी प्रकार जब रस्सी में अप और डाउन करने लगते हैं, क्या करते हैं, अप और डाउन करते हैं, तो उसमें श्रृंग और गर्त पाई जाती है और इसमें श्रृंग और गर्त नहीं पाई जाती है। अगला एक इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, यह सभी परीक्षाओं में आया हुआ है, यह सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों में ये गमन करती है।
आपसे पूछेगा कौन ऐसी तरंगे होती हैं, कौन ऐसा वेव होता है जो तीनों माध्यम में चलते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो वो कौन सी होती है, याद रखिएगा, तो वह अनुदैर्ध्य होती है। और जो है अनुप्रस्थ कहाँ चलती है, सिर्फ ठोसों में, सॉलिड में, अथवा अगर लिक्विड में चलती है तो यह सिर्फ सतहों पर, कहां पर, सतहों पर ही चलती है। तो मित्रों इसको जरूर याद रखिएगा कि यह जो है तरंगे कहां कहां संचरण होती है। तो मित्रों अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको यह बताया जाएगा कि कहां कहां कौन कैसे होता है, कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे संचरण की माध्यम होती है। तो हमने आपका दो आपको बताया, और यह याद रखिएगा मित्रों कि हमेशा मेन दो ही तरंगे हैं। कौन तरंगे दो हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मेन है और दूसरा कौन होता है आपका, ट्रांसवर्स होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो ही हैं, दो को ही कई पार्टों में डिवाइड करेंगे। अब इसी को हम दोनों को जब साथ में लेके चलेंगे तो इसी को कहेंगे यांत्रिक तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे जैसे हमारी जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये कौन तरंगे होती हैं, ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो आइए अब चलते हैं यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो हमने बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो उसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए यांत्रिक तरंगे और कौन आ गया है आपका, आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए हम चलते हैं यांत्रिक तरंगे और ऐसे ही आपको बता देंगे अंतर और विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए यांत्रिक तरंगे और दूसरा कौन रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए देख लेते हैं इसमें क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल वेव है और ये जो है इलेक्ट्रोवेव होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, ये मैकेनिकल है और ये कौन होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। इसके लिए जब ये संचरण करती है तो इसमें माध्यम, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता, की आवश्यकता होती है। इसको नोट भी कर लीजिएगा मित्रों, आवश्यकता होती है। और उसमें क्या होती है, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए आप देखे होंगे अब ये होती कौन कौन है। जैसे आपको यह जो है जल तरंगे जो होती हैं, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जल तरंगे हैं, कौन हो गई, जल तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई और स्प्रिंग की, और कौन हो गई, स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये पूछा हुआ है। इसी प्रकार आप देखे होंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं। दूसरा है आपका एक्स रे, एक्स रे हो गया। अगला क्या होगा, गामा किरणें हो गई, गामा रेज हो गया। अगला रेडियो, रेडियो तरंगे हो गई। अगला कौन हो गया, अवरक्त, क्या हो गया, अवरक्त। तो इस प्रकार जो यह तरंगे होती हैं, इस प्रकार की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और जो दूसरी तरंगे हैं ये कौन सी होती हैं, यांत्रिक मैकेनिकल वेव है। तो जब भी मैकेनिकल वेव की हम चर्चा करेंगे, माने जल में जो भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जैसे कंकड़ को फेंक दिया जाता है तो उसके अपर लेयर, याद रखिएगा अपर लेयर, नीचे के लेयर में कोई परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, तो अपर लेयर जो है आगे चलती रहती है। इसी प्रकार जब स्प्रिंग दबाया जाता है, स्प्रिंग सारे मोटर वाहनों में लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है,
इसको संचरण होने के लिए यह जड़त्व और प्रत्यास्थता के कारण ही यह चलती है। किसके कारण, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जड़त्व और प्रत्यास्थता के कारण। क्योंकि स्प्रिंग में क्या पाई जाती है, स्प्रिंग में प्रत्यास्थता पाई जाती है। तो मित्रों जब भी यह यांत्रिक तरंगे संचरण होगी तो किसके कारण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया के कारण होगा। और इलास्टिसिटी मतलब क्या है, प्रत्यास्थता, जब किसी बॉडी पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है और उसको पुनः हटा लिया जाता है तो वह उसी माध्यम में लौट आती है, तो उस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जो भी यांत्रिक तरंगे होती हैं, उसको संचरण होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपका इलास्टिसिटी की आवश्यकता होती है और जड़त्व की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब लाइट चली जाती है, इसीलिए कहा जाता है निर्वात में लाइट का जो है वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। जब वो वेलोसिटी जो है निर्वात से एयर में आती है तो 0.3% की एयर में कमी हो जाती है, जब वो जल में जाती है तो 25% की कमी हो जाती है। इसी प्रकार जब लाइट कांच में प्रवेश करती है तो 35% की, क्योंकि ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और जिन मित्रों को वो वीडियो नहीं मिला है तो उसमें चले जाएं, देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे लाइट की जो है वेलोसिटी चेंज होती है। यहां भी अब देखेंगे कि यह जो है आपका माध्यम की इसकी आवश्यकता होगी और इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसी में और पॉइंट हम बता रहे हैं, अगली पॉइंट क्या है आइए देखते हैं। अगली हमारी पॉइंट है, इसका वेग कम होता है, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेग अधिक होगा, वेग क्या होगा, अधिक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, इसकी आवृत्ति, इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी जो है कम पाई जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब मोशन ऐसे अप और डाउन होता है, माने एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, माने एक सेकंड में ऐसे अप और डाउन करने की संख्या इसमें क्या होती है, इसमें भी कम होती है। और तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य जो होते हैं वह अधिक होते हैं, वो क्या होता है, अधिक होता है। इसका अर्थ देख लीजिए, जैसे यहां पे हमारे पास हो गया, अब हमारा यह जब चल रहा है तो यह ऐसे अप और डाउन, तो दो श्रृंग और गर्तों के बीच की यह जो दूरी होती है तरंग दैर्ध्य होता है, इसमें क्या होती है, इसमें अधिक पाई जाती है, फ्रीक्वेंसी इसकी छोटी होती है। और यहां जो होती है आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति क्या होगी, अधिक हो जाएगी, माने ऐसे 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 आवृत्ति करेगी तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसमें जो आवृत्ति अधिक होगी और जो वेवलेंथ कम हो जाएगा, आवृत्ति उल्टा इसका रहेगा, आवृत्ति क्या होगी, इसमें कम है तो इसकी क्या हो गई, अधिक हो गई, और वेवलेंथ क्या हो गया, लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा इसमें अधिक है तो लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, लेंथ क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि दो श्रृंगों और गर्तों के बीच की जो दूरी लेते हैं वो वेव लेंथ हो जाता है। तो ये हो गया कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रो वेव जो होती है दोनों में डिफरेंस हो गया। तो दोनों में डिफरेंस याद कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम चलते हैं कि यह जो तरंगे यदि हो गई तो हम चलते हैं ध्वनि तरंगों के लिए। जब कोई भी मैकेनिकल वेव जब चलती है, संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जब यही मैकेनिकल वेव चलती है तो क्या निकलता है, साउंड निकलता है। जब मैकेनिकल वेव संचरण होती है, माने चलती है किसमें, मीडियम में, जब मीडियम में वो चलती है तो उसमें क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो जब यांत्रिक तरंगे चलेंगी तो साउंड निकलेगा,
तो उसको क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। अब ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? आइए उसको देख लेते हैं। तीन प्रकार की ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। वेव माने साउंड वेव, जो साउंड वेव हो गया वो कितने टाइप के हो गए? वह तीन टाइप के हो गए। आइए देख लेते हैं, तीनों को ऐसे बता दे रहे हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन तीनों को जान लीजिए कौन कौन होता है। पहला होता है सोनिक, हम यहां लिखते हैं सोनिक वेव, बीच में सोनिक वेव को कहेंगे ऑडियोविल। ऑडियोविल माने सुनना, जैसे ऑडियो नहीं सुनते हम लोग, ऑडियो एवल वेव। और इससे जो कम तरंगे होती हैं उनको इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक माने ये हो, उसको कहते हैं आप श्रव्य तरंगे, आप श्रव्य तरंगे, इसको कहते हैं श्रव्य तरंगे, इसको क्या कहेंगे? श्रव्य। इसको क्या कहेंगे? अपश्रव्य। तो श्रव्य तरंगे। एक आती है आपका पैरासोनिक, किसको कहते हैं? पैरासोनिक। इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा, अल्ट्रा या पैरासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इसको कहेंगे परास्रव तरंगे, इसको परास्रव। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आएगा कि जो हम साउंड होती है, साउंड क्या है? साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। अब जब अब दूसरा हम चलेंगे कि जब मैकेनिकल वेव हमारी चलती है तो क्या निकलती है? साउंड निकलती है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साउंड, पहला होती है सोनिक वेव, दूसरा होती है अल्ट्रासोनिक, तीसरा होती है इंफ्रासोनिक। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साउंड, इसमें अब डिपेंड ऑन दी, किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये डिपेंड किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और जब ये फ्रीक्वेंसी जैसे होगी उसकी किस पे डिपेंड कर जाएगी? तो प्रबलता पे डिपेंड कर जाएगी। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। तो मित्रों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।